हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में, जहां हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं रीजनल सरस मेला ऑफ अमृतसर। सो चेक दिस आउट। तो यहां से हम अपनी एंट्री कर चुके हैं मेले के अंदर और यहां का माहौल देख के काफी अच्छा लग रहा है और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं इस मेले पे एक्सपीरियंस करने के लिए। सो लेट्स सी व्हाट इज इन इट। और यहां पे काफी अच्छे अच्छे झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, लाइक प्रॉपर एक कार्निवल सा माहौल यहां पे बना हुआ है काफी अच्छे तरीके से। और अलग अलग तरीके के आपको एग्जीबिशन देखने को मिलने जो हम आपको दिखाएंगे अपनी आगे वीडियो में। तो आपको एक और चीज बता दें, यहाँ पे मैं अपने भाई को लेकर आया हूँ, उसमें एक चीज बड़ी स्पेशल है, आप जब भी उसको अपने साथ लेकर आओगे ना आपको लगेगा कि नहीं वो आपके साथ है, वो अलग ही घूमता रहेगा। आपको मैं दिखाता हूँ किधर गया मेरा भाई, वो घूम रहा स्पेक्स वाला भाई, वो जो उसको साथ लेकर आओ ना लेकर आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने आपको बचाना नहीं है, वो इग्नोर करके जा रहा है, वो गया इग्नोर करके, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको भाई कि साथ में है कि नहीं है, बस उसको कल्ला बन जाइए उसको अपना। इधर है ये मेरा छोटा भाई है, दिखने में बड़ा है मेरे से बट है छोटा, ठीक है हाइट मत जाना, उम्र पे जाओ और एक्सपीरियंस पे और समझदारी पे भी, ठीक है। उसकी एक और खासियत ये है कि इसको आप कहीं भी लेके जाओगे वो ये 101 पर श्योर ही गुम हो जाएगा, इतना बड़ा होने के बावजूद भी गुम हो जाता है यार। उसको घूमना कहते हैं, गुम होना नहीं कहते बंदा। अब जब बंदा साथ में वही घूमने का शौक नहीं है, एक जगह बैठे तो क्या करे बंदा, वो घूमने का शौक है। मैं गुम होता नहीं, मैं घूमते गुम होता हूँ। हाँ ये घूमते घूमते गुम हो जाता है और हमें इसको ढूंढना पड़ता है फिर। तो चलिए बाकी पूरा मेला देखते हैं। और इस मेले की सबसे बेस्ट बात में तो ये लगे कि यहाँ पे हैंडीकैप लोगों के लिए भी काफी अच्छी फैसिलिटीज हैं, व्हील चेयर यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, हर कोई यहाँ पर आके अपना मेला एंजॉय कर सकता है। यहाँ पे कुछ मतलब सेक्शन उन्होंने डिवाइड किए हैं, वहाँ पे कार्निवल है, यहाँ पे शोरूम्स हैं और वहाँ पर फूड कॉर्नर लगाया हुआ है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं हम इस मेले को। यहाँ पे काफी अच्छा सामान मिलता हुआ है हमें दिख रहा है, तो ये देखिए कि एक गुल्लक कितनी अच्छी मिल रही है यहाँ पर, अच्छा है काफी अच्छा सामान है यहाँ पे, मतलब काफी अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स आ रही है यहाँ पे। मेले से आपको ऐसी वाइब्स ही आएंगी, लाइक बचपन में हमें काफी शौक होता मेले में जाना, कुछ ना कुछ लेना, मिले ना मिले वो बात अलग है, पर लेने का शौक जरूर होता था। यहाँ पर किसी बंदे ने तो कोई शरारत की है, ये झूला भी जरा टूट ही गया, क्या करे इसका टूटा वो झूला, ये टूटा ही नाउ हम खेलने जा रहे हैं शूट गन गेम और शूट मारने में मिलेंगे हमें ये गिफ्ट प्राइस। लेट्स सी ही इज गोइंग टू प्ले दिस गेम। यहाँ पे छोटे भाई साहब निशाना लगाते हुए कहते हैं कि बड़े प्रो लेवल के निशाने जा रहे, देखते कैसा निशाना है। जाय नूब नूब नूब, क्या फायदा पबजी खेलने का। ये देखते अब कैसे आता निशाना, बंदे के सर पे मारते हुए मेरे ख्याल से नूब, आसपास भी नहीं जरा माचिस को गिराना है, माचिस को टारगेट बड़ा छोटा सा है, माचिस को गिराना है। अच्छा भाई का नहीं ऐसे पकड़ा नहीं आ रहा, ध्यान से पीछे मत हो ये ना। किस पे इतना टाइम, ओए हो गया मैगी से हल्का सा ऊपर ही रह गया, मैगी से हल्का ऊपर रह गया। अच्छा नाइस ट्राई नाइस ट्राई। अभी मेरा भाई कुछ पूछने का, कितने का है 4500 के हिसाब से बहुत बेस्ट प्राइस है भाई इसका, 4500 का बहुत अच्छा है, 4500 मेरे पास तो मैं डेफिनेट ले लेता। ये वाला महंगा होगा, वो बड़ा साइज में बहुत शानदार चीज है, बहुत ज्यादा ही
तो गाइस यहाँ पे एक पेंटिंग मिली मेरे को, उतनी अच्छी लगी ना काफी ज्यादा। तो वर्क देखो कितना शानदार है यहाँ पे, और कलर कॉम्बिनेशन द बेस्ट, काफी प्यारी पेंटिंग है काफी ज्यादा। कितने की पेंटिंग्स हैं भाई देखो, छोटी मोटी तो 200-300 वाली, हाँ ये बड़ी वाली यही, इससे तो मतलब इसमें पूरा खर्च लगाएगा। क्यों, 50,000 की है? वाओ 50,000 का है, मतलब लाइक आर्ट वर्क तो है, और 50,000 रियली मैम, 50,000 में तो पूरा घर तो नहीं जाएगा। अभी जैसे मैंने कहा था कि अभी मेरा छोटा भाई आया साथ में, वो कहीं भी जाएगा गुम उसने हो ही जाना है, मिलेगा नहीं, और आसपास कहीं नहीं दिख रहा किधर गया वो। अब देख गया वो, हो रहा भाई किधर गया वो, रहता है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं घूमता नहीं हूँ, मैं घूमता हूँ। ठीक है तो साथ में घूमना, साथ में आया यार, आप स्लो चलते हो, स्लो चलते हैं, चलते होंगे स्लो भाई। यहाँ पर हम तीन जने आए हैं, बट फिलहाल दो जने हैं, कि एक जने अपने आप में बिजी है, इसको कुछ लेना देना नहीं, किसके साथ आया है, कहाँ आया है, अलग ही बिजी है बंदा, ये है किसके साथ ये नहीं पता बस। इधर कहीं नहीं है, कहीं नहीं, कल्ले कल्ले किससे बात कर रहे हैं बताओ जरा। चड्डा जी, जसकरण जी, दोस्त नहीं, तो यहाँ पे बनने जा रही है बुड्ढी माई का चाटा, पंजाब में तो उसको बुड्ढी माई का चाटा ही कहते हैं, और इंग्लिश में कैंडी फ्लॉस और कॉटन कैंडी भी कह सकते हैं। तो देखो कैसे बनती है यहाँ पे, बनना शुरू हो चुका है। मेले में आई है तो पैसे बहुत आज कल मारा, बहुत ज्यादा पैसे की कमी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कार ले ली यहाँ से, कार की एग्जीबिशन भी लगी हुई है, कार लेने को ले सकते हैं वैसे हम, अभी देखते हैं क्या करना है, क्या कहते हैं कार ले ले कि ना ले। मर्सिडीज नहीं मैम, ये होंडा सिटी है, हम लेंगे, हाँ हम लेंगे, हमारा मर्सिडीज लेने का प्लान है, ये होंडा सिटी है, तो अभी नहीं। हाँ जी हाँ, क्या गया तो कार लेने का प्लान था, बट अभी कैंसिल हो गया कि मैडम भी कहते हैं मर्सिडीज लेनी, तो मर्सिडीज लेंगे हम सीधा ट्रैक। यहाँ पे हम खत्म करते अपना व्लॉग, होप सो आपको पसंद आए, आया तो कमेंट और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।